से मैंने तुझे देखा। अरे तुझे पाने के लिए तो मैंने इस राज्य में खून की नदियां बहा दिया, अब तो तू मुझे मिल जाएगी ना। हे महामंत्री, तुम्हारे रास्ते काटा मैंने साफ कर दिया। हाँ। जिंदगी भर मैंने तुम्हारे लिए काम किया है, लेकिन मैंने तुमसे जो कहा था कि शाही खजाने का आधा हिस्सा डाकू कोबरा को चाहिए। मैंने तुझसे कहा था कोबरा कि शाही खजाने का आधा हिस्सा मैं तुझे दे दूंगा। बिल्कुल, लेकिन जिस समय राजकुमारी रेखा हमारी बाहों में होगी, शाही खजाने का आधा हिस्सा तुम्हारे चंबल में होगा। वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा। इस समय तुम अपने राज दरबार में जाओ और ऐलान करवा दो कि ना जाने महाराज कहाँ गायब हो गए, वरना तुम्हारी राज की जनता तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। मैं किसी को शक नहीं होने दूंगा कोबरा, क्योंकि मंत्री दुर्जन सिंह वो शतरंज की चाल चलता है जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होता है। वो तो मैं जानता हूं। अच्छा चलता हूँ जय गोपाल। हाँ गोपाल। इतना नहीं ज्ञान थे, नहीं लिफ्ट द्वारा पहुंचा दे। हे भगवान, ये अचानक मेरे आंख में इतना तेज दर्द हो रहा है, लग रहा है कि मैं मर ही जाऊंगी। बहुत तेज दर्द हो रहा आंख में। भैया जी कहाँ चले गए, ना जाने मेरे भाई कहाँ चले गए। भैया, तेरे आंखों में आंसू, क्या बात है? बात ये भैया कि अचानक ये आंख में दर्द हो रही है भैया। दर्द हो रहा है भैया? हो रही है आंखों में भाई भारी। Thank you.
ये आंख में बहुत तेज लग रहा है, ये मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ये अंधेला क्यों छा रहा है मेरे आंख में भैया, ये अंधेला क्यों छा रहा है मेरे आंख में, कहाँ है भैया ये ए, तेरे आंखों में मैंने तेजाब डाल दिया है, अब तू अंधी हो गई है, अब तुझे मेरी बीपी बढ़कर रहना होगा। क्या आपने मेरे आंख में तेजाब डाल दिया? हाँ। अरे नहीं भैया, साली भैया भैया के रट लगा दिए। एक बार मुझे बलमा कहो, सैना कहो, सैया कहो। अरे मुझे बहन बनाकर अपने घर में रखा और आपने मुझे बहन कहा, तूने मेरे विश्वासघात किया है मेरे साथ। ए, देख तू अंधी में काना हो गया तुझ पे दीवाना, आओ मैं जलब खाता रड़ुआ, आज मुझे मिलेगी अपनी मनपसंद बेगम। ये मत भूल, ये मत भूल, मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, तू मुझसे दूर रहना, मेरे पास मत आना, मैं कहती हूँ तू मेरे पास मत आना। तेरी गोरे गोरे गालों से ओ चम्मच चलो, तेरी नीली नीली आंखों से दिल पर तीर चल गए। Thank you.
महबूब साला काना अपनी बहनिन का वो है दीवाना। सही कह रहे हो। अतना साला ये दिन के मिल जा दू चाचा भौरी निकाह कबूल कहीं नब्बा जाने ये साला अपनी बहनों नहीं छोड़ा। दिन के दू चाचा हो मिल जाए बदल लो गांव कल्याण हो जाए। हेलो और आगे निगम जी माटी बजा कर रहने वाले उनकी तरफ कर्म बंद 20 रुपए मिले धन्यवाद। ये साले चोर मिल जाए दिन के तो बहुत साले मादर चोर हुआ। आज मैं जंगल की तरफ जा रहा हूं और लकड़ियां काट के ले जाऊंगा। हे भगवान उस महबूब वाली ने मेरे आंख में तेजाब डाल दिया। मैं तो अंधी हो गई। अब मैं कहां को जाऊं? अरे वो बाजार गया है मिठाइयां लाने के लिए और कहा है कि मैं बाजार जा रहा हूं, मैं वहां से मिठाई लाऊंगा और वो मेरे साथ निकाह पढ़ाएगा। लेकिन ना, मैं जब तक जिंदा हूं मैं एक बार तुझसे निकाह नहीं पढ़ा सकती। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं तेरे बाप में नहीं आऊंगी। अब मैं कहां को जाऊं? मैं कहां को जाऊं? जगती में जीना है करता है। अगर मैं तेरी बात मान जाती बेटा तो मैं वहां से कहीं अलग चली जाती। अरे उस महबूब अली ने मेरे आंख में तेजाब डाल दिया। क्या कह रही हो मैया? मैं तो अंधी हो गई और मैं कहां को जाऊं? मुझे यहां से जितनी जल्दी हो सके बेटा मुझे यहां से कहीं अलग भेज दे। वो बाजार गया है मिठाइयां लाने के लिए, उसके आने से पहले मुझे जल्दी से भेज दे। ठीक है। क्या बताऊं ए मेरे मालिक, आज 7 दिन सूखे कुएं में मुझे पड़े हो गए हैं। प्यास से गला सूखा जा रहा है, भूख से तो मेरे दम निकले जा रहे हैं। अब मैं इस कुएं में कैसे जी पाऊंगा? मेरी बिनती सुने तो जानू मानू तुझे मेरा राम, नहीं तो कर दूंगा जग में तुझको बदनाम। दुनिया में तेरा आज तुझी से मेरी बिन
मेरे अल्लाह, पानी पानी। मैं ये क्या सुन रहा हूं? किसी की आवाज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन मैं जंगल में अकेला हूं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अभी जाके अपनी मैया को साथ लेके आऊंगा, फिर दिखूंगा कौन है। कौन है रो रहा आन मेरे भाई, कौन है रो रहा आन मेरे भाई, ना दिखाई पड़े साथ चलो मेरे भाई। आप कौन है, कौन पाने के लिए पुकार रहे हैं आप? क्या करोगी पूछ कर, कहां हमारा धाम है, चित्र नगरी का राजा हूं, चित्रसेन मेरा नाम है, की दगा गद्दारों ने दुर्जन सिंह का लानाग है, राज छीनने के लिए या मेरे संघात है। आखिर आप कौन है? मैं सेनापति की धर्म पत्नी गिरजावती हूँ। अरे गिरजावती, हाँ। गिरजा, तू मेरी क्या मदद करेगी? हाँ। अरे मैं तो तुम्हारा गुनेगार हूँ। आप कौन है आप? मैं महाराज चित्रसेन हूँ। महाराज चित्रसेन? हाँ। महाराज जी, आप इसमें आप चिंता मत करिए महाराज जी, आप घर से अगर आप मुसीबत में हैं तो मेरा बेटा इकबाल आपका साथ देगा। नहीं गिरजा, नहीं गिरजा, हम तुम्हारे गुनेगार हो, तुम्हारे पति सेनापति शत्रु प्रकाश के हमने दोनों हाथ कटवा लिए, जीवन भर का उसे अपाहिज बना दिया। मैं आपको चेहरा अपना कैसे दिखवाऊं, कैसे दिखाऊं चेहरा? हमें इसे सूखे कुएं में मर जाने दो गिरजा, मर जाने दो। नहीं महाराज नहीं, आप घर से अगर कुएं के अंदर हैं तो मेरा बेटा इकबाल निकालेगा। इकबाल बेटा? हाँ मैया। देखो वो महाराज हैं, महाराज जी को बाहर निकाल लो मेरे लाल। ठीक है मैया, जाओ उसे बाहर निकाल के ले। मैं भी निकाल के ला रहा हूँ। गिरजावती, तुझे दिखाई नहीं देता? महाराज मैं आपको देख नहीं सकती, सिर्फ मैं आपको आपकी आवाज को पहचान सकती, महाराज मैं देख नहीं सकती। गिरजावती, अपनी ही करनी और भरनी के मैं सजा काट रहा हूं, जो महामंत्री दुर्जन सिंह के कहने थे, सेनापति एक वफादार शत्रु प्रकाश के हमने हाथ कटवा दिए, मैं क्या करूं, मुझे माफ कर दो। नहीं। और क्या नाम है तुम्हारा बेटा? इकबाल। तो मैं वो अली का भांजा है क्या? बहुत अच्छे हो जो हमें जीवन दान दिया, इस कुएं से निकाला। ऐसा करो, समय ज्यादा है, रुकने का नहीं है, क्योंकि महामंत्री दुर्जन सिंह के चारों तरफ आदमी लगे हैं। हाँ। ये राज ही राज रहे,
ये ना मालूम हो कि राजा चित्सेन जिंदा है। अगर कहीं मालूम हो ना उसको तो हम लोगों को जिंदा दफन कर देगा। और चलो ये लड़ाई तो हम लोगों को लड़ना ही है, क्योंकि जैसे हम लोगों को सजा दिया है उतने भी उत्कर्णी की सजा जरूर मिलेगी। आओ गिरजा मेरे साथ आओ। या अल्लाह, न जाने मेरे इकबाल भाई कहां को गए हुए हैं, मैं उनका इंतजार करती हूँ। अरे वाह, क्या बात सरदार जी, कितनी सुंदर लड़की जा रही है, ये तो बिल्कुल कच्ची कली है कली, लेकिन मैंने इसे आज पहली बार यहाँ देखा है। अरे कुन्ना, खजूर अभी पाकी नहीं है। ये जो लड़की गई कौन है, कहाँ रहती है? क्या जानते नहीं? नहीं, महबूब अली की भांजी सबाना है। क्या, ये महबूब अली की भांजी सबाना है? लेकिन वो तो सलाकाना की बहन है। लेकिन वो तो सलाकाना बहुत ही बड़ा सयाना है। गली मिल जाए काना लौटिया अपने घर का बहुत सयाना। अब तो मुझसे उससे मिलना होगा। उससे मिले गई हो? क्योंकि इसकी सूरत मेरे दिल में समा गई है। एक बार मिल जाए कसम से चंबल में मजा आ जाएगा। एक कुन्ना, जिंदगी तू तो मेरा वेट कर, मैं अभी महबूब अली से मिलकर के वापस आता हूँ। जानता, अरे मेरा नाम डाकू कोबरा है, कोबरा कोबरा। हाँ, यहाँ क्या करने आए हो? तुमसे मेरा बहुत जरूरी काम पड़ गया है, सुन मेरी बात। क्या बात है? तुम्हारे घर में एक लड़की बड़ी भांजी है ना, जिसका नाम सबाना है, तो क्या हुआ? वो मुझे एक रात के लिए चाहिए। क्या कहते हो? देखो वो मेरी बेटी समान है, मैं बुरा इंसान हूँ लेकिन इतना बुरा नहीं हूँ जितना बुरा सोचते हो। मैं तो जानता हूँ कि तू कितना भला इंसान है। अरे सौ हरामियों के मार के तब जाके तू साला पैदा हुए, और तू साला मुझे गीता कुरान की बात बता रहा है। ऐसा मैं गुनाह नहीं करूंगा। कोबरा का कान कभी ना नहीं सुनते हैं। अगर तूने चुपचाप मेरी बात मान ली तो मैं तेरा मुंह नोटों से भर दूंगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो एक ही गोली में मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मुझे मंजूर है, लेकिन 4 लाख रुपए लूंगा। 4 लाख? वो भी एक रात के लिए? कोई बात नहीं, तुझे सौदा करना नहीं आता है। अगर उस सबाना के लिए तूने मुझसे 10 लाख मांगे होते ना, तो डाकू कोबरा देने के लिए तैयार था। लेकिन ये बता,
सवाना को लेकर तू आज ही चंबल आएगा। आज का वादा नहीं करता हूँ, मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? कल शाम तक आपको चंबल में पहुंच जाएगी, लेकिन 2 लाख एडवांस, 2 लाख पहुंचने के बाद। 45 की नोट होती है महबूब अली, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। 1 घंटे के अंदर ये कुन्ना तुम्हारे घर 2 लाख लेकर आ जाएगा। ये समझो चंबल आपको कल पहुंच जाए, लेकिन अपना वादा भूलना नहीं, नहीं तो मैं तेरे घर के साथ साथ तुझे भी जला के खा कर दूंगा। अरे कोबरा भाई, ऐसा क्यों करते हो? अरे शाम तक कल पहुंच जाएगी आपके पास। ठीक है, एक ना तू मेरे साथ चल। साले मैं उस कबाड़ का क्या करूंगा? ठीक है तेरा भी काम हो जाएगा, तुम मेरे साथ में आ, फिर मैं तुझे समझाता हूँ क्या करना। अगर मैं ना करता तो साला मुझे मार देता। 5 लाख कमा लो, इसी में मेरी भलाई है। लेकिन समस्या भी है, जब तक सबाना का भाई इकबाल रहेगा वो साला रास्ते कांटा बनेगा, साहब काम करने के लिए वो साला मना करेगा। इसी वक्त जाता हूँ बाजार, जहर लाकर इकबाल खिला दूंगा। साला इकबाल मर जाएगा, उसके बाद मैं सबाना को चंबल दे दूंगा। मिठाई में मैंने जहर घबर दिया है, जब इकबाल आएगा उसे खिला दूंगा, सारा काम मेरा बन जाएगा। अरे सबाना बेटी इधर आ, ये लो ये मिठाइयां है, पकड़ो इसे रख देना, खाना मत ना बहुत तुझे मारूंगा। जब मैं मांगूंगा शाम को मुझे ला के देना, समझी? जाओ। आओ इकबाल आओ, आज तुझे खुदा भी नहीं बचा सकता मेरे हाथ से। या मेरे अल्लाह, आज सुबह से मैंने जंगल में ढेर सारी लकड़ियां काटी और मेरे हाथों में छाले भी पड़ गए और मुझे प्यास बहुत जोरों से लगी है। बहन सबाना जी, भैया बहन, घर में अगर कुछ खाने के लिए हो तो मुझे थोड़ा सा खिला दे, क्योंकि आज मुझे जंगल में बहुत मेहनत पड़ गई, इसलिए मुझे भूख भी लगी और प्यास भी बहुत जोरों से लगी है। भैया घर में खाने को तो एक दाना भी नहीं। भैया क्या कह रही हो बहन? भैया अरे कुछ तो होगा, थोड़ा से मुझे कुछ लाके दे दे मेरी बहन, मेरी प्यास बुझ जाए। भैया हाँ मुझे याद है, अभी मामूजी ने थोड़ी मिठाई दी है, मैं वही आपको लाके दे। हाँ बहन जल्दी लेके आ, आज मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। से अकेले नहीं खाऊंगा, पहले अपनी बहन से पूछ लेता हूं सुबह से उसने कुछ खाया या नहीं। सबाना मेरी प्यारी बहन, ये बता तूने सुबह से कुछ खाया या नहीं खाया? भैया मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है, मैंने भी कुछ नहीं खाया। भैया अरे पगली,
जब तूने सुबह से कुछ नहीं खाया तो फिर ये मिठाई मुझे क्यों दे दी? ले तू इसे खा ले, मैं शाम को खा लूंगा, क्योंकि अगर जब तू भूखी रहेगी तो तेरा भाई भूखा नहीं अच्छा लगेगा। तू खा ले, आ बैठ, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाता हूं। सबाना तू इसे बैठ के खा और मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूं।